एक मई से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। इससे पहले कांग्रेस केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। द गवर्नमेंट दैट बिलीव्स इन वन नेशन वन टैक्स वन नेशन वन इलेक्शन बट दिस इज अ गवर्नमेंट दैट डज नॉट बिलीव इन वन नेशन वन प्राइस। एक मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के फैसले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि वैक्सीनेशन की नई नीति में सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। टीकाकरण नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है, राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, टीका निर्माताओं को अनुचित लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भारत के लोगों के बीच असमानता की स्थिति बदतर होगी। दरअसल केंद्र सरकार 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की हरी झंडी दे चुकी है। सरकार ने राज्यों को सीधे कंपनियों से डोज लेने का अधिकार दिया है। कांग्रेस की दलील है कि जो राज्य ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही वैक्सीन मिलेगी और बाकी राज्यों के साथ अन्याय होगा, निजी कंपनियों को फायदा होगा। आज रामनवमी है, इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अभी अभी देशवासियों के लिए एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के संकट काल में कोरोना से बचने के उपाय हैं, कृपया करके उसका पालन कीजिए। दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को रामनवमी की बधाई देते हुए और कहते हुए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यही संदेश है कि हम सब मर्यादा में रहें। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।